Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Nashaba, and today our topic is multiple sclerosis. Multiple sclerosis बहुत important है. इसका scenario आता है paper में. तो CNS के जो most favorite questions में आते हैं mostly multiple sclerosis is one of them. ठीक है. अब multiple sclerosis होता क्या है basically? ये हमारे पास inflammatory और demyelinating disease है. ठीक है. इंफ्लेमेटरी का क्या मतलब है कि बॉडी के जो ओन इम्यून सेल्स हैं वो अटैक करते हैं नर्वस सिस्टम को. दिस इंफ्लेमेशन इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून टाइप ऑफ इंफ्लेमेशन. और डीमाइलिनेशन का क्या मतलब है कि द माइलिन शीथ दैट इज प्रोटेक्टिंग आवर नर्व्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होता है कि जिस एरिया में माइलिन शीथ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है वहां पे मल्टीपल स्कार्स बन जाते हैं और या वहाँ क्या होता है अल्टीमेटली फिर फाइब्रोसिस होती है और स्क्लेरोसिस हो जाती है जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती. कि एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है और दूसरा माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से जो डैमेज एरियाज है वहां पे स्क्लेरोसिस हो जाती है. नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं होती तो पूरा जो हमारा नर्वस पाथवेज है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है. इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज. इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ साथ इसके सेवेरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. टाइम के साथ साथ भी और एज के साथ साथ भी. और मोस्ट कॉमन एज क्या है 20 से 40 के दरमियान में होती है. उसके बाद हमारे पास कॉजेस. तो एग्जैक्ट कॉज ऑटो इम्यूनिटी है तो एग्जैक्ट कॉज अननोन है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें कोई ना कोई वायरल वायरस कॉज होता है या कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो कि लीड कर रहा होता है टुवर्ड्स ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल और हेरिडिटरी कॉजेस भी होते हैं. लेकिन ये सारे सपोजिटरी कॉजेस हैं. एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता कि ये ऑटो इम्यूनिटी क्यों डिवेलप हो रही है. देन है पैथोफिजियोलॉजी. तो क्या होता है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है. जो सारी बातें आप पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं जिसके रिजल्ट में जब भी कभी कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि वहां पे जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है. यहाँ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है तो नर्व फाइबर्स का लॉस्ट हो जाएगा. जो नर्व्स हैं वो क्या करेंगी कि वो इतना फास्ट माइलिन शीथ के डैमेज होने की वजह से इतना फास्ट ट्रेवल नहीं कर पाएंगी. वहां पे फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी, स्क्लेरोसिस हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप्स. तो टाइप्स इसकी ये प्रोग्रेसिव होती है, रिलैप्सिंग होती है. ये बहुत ज्यादा रेयर है कि ये बहुत ज्यादा टाइप्स के साथ प्रेजेंट करे. लेकिन इसकी कुछ पेशेंट्स में डिफरेंट प्रेजेंटेशन भी हमें मिल सकती है. कि जनरली तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये स्टेडी प्रोग्रेशन भी शो करती है. मतलब इतनी ज्यादा रैपिड प्रोग्रेशन नहीं होती. कुछ में ये रैपिड प्रोग्रेशन शो करती है, कुछ में इसका रिलैप्सिंग कोर्स होता है कि एक दफा हुई फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा हो गई, फिर ठीक हो गई, इस तरह से. ठीक है. और कभी कभी इसकी एग्जसर्बेशंस भी आती हैं पेशेंट्स में. तो इसकी बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं. एज सच टाइप्स की कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है इसलिए आपको भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. देन हमारे पास है साइंस एंड सिम्टम्स. क्या होते हैं कि जो नर्व इन्वॉल्व होगी, जिस नर्व में ऑटो इम्यून रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा उसका पूरा पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी सारी कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी. इसलिए अगर हमारी ऑकुलर हमारी विजन की जो भी हमारी नर्वस पाथवेज हैं अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो विजन इम्पेयरमेंट हो जाएगी. सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है तो टिंगलिंग एंड नमनेस हो जाएगी लिम्स की. साथ में डिफिकल्टी विद वॉकिंग होगी, वीकनेस होगी. अगर हमारे जो हायर मेंटल फंक्शंस है वहां की नर्व्स इन्वॉल्व है तो मेमोरी लॉस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा. ठीक है. और अगर हमारे पास जो हमारे कंट्रोल सेंटर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यूरिनरी और बाउल प्रॉब्लम्स होंगी. तो ये डिपेंड साइंस ऑफ सिम्टम्स बेसिकली डिपेंड करते हैं विच टाइप ऑफ नर्वस पाथवे इज इन्वॉल्व्ड. देन है डायग्नोसिस. अब हमने कॉजेस में डिस्कस किया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता इसलिए डायग्नोस इसका बनाना इतना आसान नहीं होता. हमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी एक तो कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर नहीं है, दूसरा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है. इसकी वजह से ये मोस्टली जो होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट ये मिसडायग्नोस्ड रहते हैं.
हम करते हैं डायग्नोज करते भी हैं अगर किसी स्टेज पे जाके, तो फिर क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहा है हम उसमें ऑटो इम्यूनिटी उसकी जज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत कम केसेस होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट। ऑल दो कि अगर हम इसको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाते तो इसका कोई क्योर भी नहीं है, लेकिन हम ट्रीटमेंट देते बेसिकली किस चीज का है, हम इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हम नंबर ऑफ अटैक्स को कम करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ रिलैप्सिस को कम करते हैं, और दूसरा एक्सटेंट जो हमारे पास सेवेरिटी है, हम एक्सटेंट ऑफ सेवेरिटी को कम करते हैं, हम डिफरेंट मेडिकेशन यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? हम अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग भी पेशेंट की हम करा लेते हैं उसके देखने के लिए कि कौन सा नर्व जो न्यूरोनल पाथवे है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। कीमोथेरेपी हम करा लेते हैं लेकिन उसकी इतनी ज्यादा जो कॉमनली प्रैक्टिस्ड नहीं है। अब मेडिकेशन हम कौन सी यूज करते हैं? मैंने ऊपर बताया कि मेडिकेशन हम सिम्टम्स की बेस पे यूज करते हैं, तो अगर स्पास्टिसिटी होगी तो हम बैक्लोफेन यूज करेंगे, अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा तो हम स्टीरॉइड्स यूज करेंगे। ये आपने आई में भी पढ़ा होगा कि ऑप्टिक न्यूराइटिस में प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं या फिर ओरल स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। फटीग है या डिप्रेशन है तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करेंगे, पेन है तो उसके लिए एस्प्रिन यूज करेंगे, नहीं ठीक हो रही कोडीन मॉर्फिन तक भी बात जा सकती है। सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो हम उसके लिए वाइग्रा यूज करेंगे, ट्रेमर है तो आइसोनियाज़िड यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है या कोई सीवियर ऑटोइम्यून रिएक्शन हो गया तो हम डिमार्ड्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास इंटरफेरोन बीटा आ जाता है और हमारे पास ग्लाटेरिमर आ जाते हैं। तो ये कौन सी मेडिसिन हमने कौन से पेशेंट को देनी है, दैट विल डिपेंड के पेशेंट को कौन सी सिम्टम है, पहली बात। दूसरी बात कि सेवेरिटी ऑफ सिम्टम कितनी है, तो इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को मेडिकेशन पे रखना है या फिर कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है। ये था हमारा आसान सा टॉपिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आपने क्या करना है कि आपने अभी वीडियो कंप्लीट सुनने के बाद अपने पास पेपर्स खोलने हैं, वहां मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्वेश्चन देखना है ताकि आपको पता हो कि इसका सिनेरियो किस तरह से आता है। बाकी में ये मैंने स्टेप अप से ऐड कर दिया है, जनरल फीचर्स है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। उसके बाद है जी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, देन डायग्नोसिस है, उसके बाद ट्रीटमेंट है, ठीक है। इतना लंबा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आपने मेनली सिम्टोमेटिक ही करना है। आप बस इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपके सिनेरियो में जो सिम्टम्स हैं आप उनको पहले ट्रीट करें और उसके बाद फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।